हाय स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे क्वेश्चन नंबर 9 का इस वीडियो में, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी रहना, बनाते चलो, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आप 8 क्वेश्चंस या इसके आगे का क्वेश्चन मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में जाकर जरूर देखना, प्ले लिस्ट में सर्च करना, डिस्काउंट बना हुआ है, वहाँ से देख लेना एक बार सभी वीडियोज को, लॉस्ट प्रॉफिट का भी डाले हुए हैं। तो देखो, ए डीलर ब्रॉट रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, इतना में ब्रॉट करता है, आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट 16% ऑन इट मास प्राइस गेन 20%, फाइंड द मास प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं फटाफट, सब रेडी रहना, सॉल्व करते चलो, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देखो, ये सीपी जो है आपका रुपीज 11515 है, ठीक है। ये डिस्काउंट परसेंट जो है आपका बच्चों 16% है, और ये गेन भी है आपका दिया हुआ जो है इसमें 20% है बच्चों, ठीक है। तो देखो, ये सीपी है, गेन परसेंट, तो सबसे पहले हम लोग एसपी निकाल देते हैं। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस हो जाता है बच्चों गेन बाय 100 होता है, इनटू जो रहता है बच्चों सीपी होता है, ठीक है। अब देखो, यह 100 प्लस 20 कर देना, ठीक है, बाय 100 इनटू सीपी है आपका 11515 लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है बच्चों, 120 दिया है, 100 दिया है, हम लोग इसको थोड़ा काट के छोटा कर लेना है, ये 0 0 कट जाएगा, 12 1 जा 12 से काट रहे हैं आपको, 6 बार में कटेगा, 5 2 से डिवाइड किए, ठीक है। अब ये 5 से इसको डिवाइड करोगे, देखो बच्चों 2 3 0 3 आ जाएगा। अब ये इसको और इसको 6 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आ जाएगा बच्चों रुपीज 13818 आएगा। ये हम लोग का इसका जो था सेलिंग प्राइस निकल गया। अब फिर मान लेते हैं एमपी इसका, लेट द एमपी मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स, ठीक है। तो अब डिस्काउंट अमाउंट यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, आपका डिस्काउंट परसेंटेज है 16% ऑफ एक्स, यानी 16/100 इंटू एक्स, तो 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 4/25 यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 4x/25 आया। अब देखो, डिस्काउंट अमाउंट हम लोग निकालते हैं, ये मैंने एसपी निकाल लेते हैं, इसका डिस्काउंट अमाउंट निकल गया। तो एसपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ एमपी में हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर देते, तो एमपी तो एक्स माने थे, इसमें से 4x/25 आप माइनस करोगे तो यहाँ 1 है, तो हम लोग का जो एलसीएम है बच्चों 25 आ जाएगा, तो 25x-x यानी बच्चों जो है 21x/25। तो बच्चों देखो, आर्टिकल से ही रेफ्रिजरेटर है, इसका हम लोग एसपी ये एक निकला, ठीक है, और दूसरा जो एसपी है हम लोग के 21x/25 है, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो दोनों एसपी को हम लोग इक्वल करके सॉल्व करके एक्स बाय इक्वल टू 13818 आ जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब इसको एक्स इक्वल टू 13818 इंटू कर देना आप 25, ठीक है, और ये कर देना यहाँ 21 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करो 7 बार में, इसको करो 3 से, तो देखो 4606 आएगा, 7 से कर दो डिवाइड, ये 42 6 बार में, ठीक है, 5 बार 5 बचेगा 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों 658 इंटू 25, ठीक है। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16450 आ जाए, तो ये उसका मास प्राइस होगा।
तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, ठीक है, थैंक यू।